चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां इस वक्त आपको बता दें ओबीसी का राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम है और यहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मंच के माध्यम से कुछ कह रहे हैं। मुझे सीधा कहते भैया यहां पे तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम कुछ कहते हैं तो हमें कहा जाता है चुप हो जाओ, हमें कोई पावर नहीं दी जाती। पावर तो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, आरएसएस के हाथ में। हमें यहां के यहां में यहां बैठा रखा है, हमें कुछ देते नहीं है, करवाते नहीं हमसे कुछ। पूरा का पूरा काम नरेंद्र मोदी और उसके 15-20 उद्योगपति मित्र करते हैं। कांग्रेस पार्टी अलग है, हम सबको जगह देते हैं। गहलोत जी हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, सबसे बात करके मिलके पॉलिसी बनाते हैं। बघेल जी हैं छत्तीसगढ़, सिद्धरमैया जी थे कर्नाटक, अकेला काम नहीं किया इन लोगों ने, सबको मिलाकर जोड़कर कांग्रेस पार्टी काम करती है। तो हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, अगर नरेंद्र मोदी 15-20 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दे सकता है, अगर नरेंद्र मोदी अन्याय कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी न्याय दे सकती है। न्याय का मतलब कांग्रेस पार्टी में हर वर्ग के लिए जगह, कांग्रेस पार्टी में हर आवाज को सुना जाएगा। न्याय का मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था। मैंने कल अपने भाषण में बोला नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, 15 लाख रुपए नहीं दिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी सच बोलेगी, 72,000 रुपए हिंदुस्तान के 20% परिवारों को बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल के दे देगी। ऐतिहासिक काम है। देखिए आज आपने देखा, आज नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट की, 45 मिनट देश को रोक के रखा, फिर अनाउंसमेंट की, देखा आपने। मगर अनाउंसमेंट में आपने उनका चेहरा देखा आपने उनका, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को समझ आ गई बात, कांग्रेस पार्टी ने न्याय देने का काम शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए की बात की, झूठ बोला। हमने कहा नहीं, 15 लाख नहीं दिया जा सकता, एक साल में 72,000 रुपए, 5 साल में 3,60,000 रुपए हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल देगी। ठीक है भाई और बहनों, 15 लाख रुपए हम नहीं दे पाए, मगर हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे आपसे, हम सच्चाई बोलेंगे। 3.5 लाख रुपए हर परिवार के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी गारंटी करके कह रही है। राहुल गांधी ने आज ओबीसी राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी के संदेश जारी करने पर अपनी निशाना साधा, कहा कि पीएम मोदी ने घोषणा करने के लिए कि जब हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते हैं और इन तीनों प्रदेशों के किसान हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि देखिए उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, आप हमें न्याय दीजिए, हमारा भी कर्जा माफ कीजिए, तो कांग्रेस पार्टी कहती है हम नरेंद्र मोदी जी से जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, मगर हम आपको गारंटी देंगे चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी आपको न्याय देगी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हमने कहा था 10 दिन में न्याय देंगे, गलत कहा, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमने न्याय दे दिया। तो हम न्याय की बात कर रहे हैं,
वो अन्याय की बात कर रहे हैं। हम आपको सच बताएंगे, वो आपको झूठे वायदे देंगे। हर भाषण में नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ झूठ बोल जाते हैं। 15 लाख किसान को सही दाम। अच्छा भैया छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ से यहां कोई है भैया? एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को कितना रुपया मिल रहा है आज? 2500 रुपए। अच्छा बताइए बस्तर में, बस्तर में जमीन वापस दी गई छत्तीसगढ़ में? ये देखिए, हमने छत्तीसगढ़ में वायदे किए थे, राजस्थान के लोग यहां हैं, राजस्थान में मुफ्त दवाई देने वाला काम, हेल्थ केयर वाला काम शुरू हो गया ना? तो भाई और बहनों, जो हम कहते हैं वो हम कर डालते हैं। और मैं आपको यहां एक गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको ओबीसी वर्ग को, ओबीसी संगठन को एक गारंटी दे रहा हूं, और अच्छी तरह सुन लीजिए। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आपको जगह देने वाली है। आज कांग्रेस पार्टी के आपको दो चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, दो ओबीसी चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में आपको और ओबीसी चीफ मिनिस्टर दिखाई देंगे, और मंत्री दिखाई देंगे, और एमपी दिखाई देंगे, और एमएलए दिखाई देंगे। मेरी गारंटी है। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने ये चैलेंज ले लिया है ओबीसी को, दलित को, आदिवासियों को, गरीबों को, किसानों को कांग्रेस पार्टी में जगह मिलेगी। देखिए, आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आप देश को रोजगार देते हो। जहां भी आप देखो ओबीसी वर्ग काम की बात करता है, मन की बात नहीं करता, काम की बात करता है। तो हमने एक मैनिफेस्टो में, एक छोटी सी लाइन में, एक बहुत बड़ी सी चीज की है। आमतौर से ओबीसी वर्ग का कोई युवा जब बिजनेस चलाना चाहता है, खोलना चाहता है, बैंक का उसको पैसा नहीं मिलता, वो पैसा हम देंगे। मगर दूसरी मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल आती है, छोटा बिजनेस चलाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत होती है। अलग अलग एजेंसी में जाओ, हाथ जोड़ो, कहो भैया हमें परमिशन की जरूरत है, इस चीज की परमिशन चाहिए, उस चीज की परमिशन चाहिए, इस चीज की परमिशन चाहिए। बिजनेस खोलने से पहले, छोटी दुकान खोलने से पहले आपको 50-60 परमिशन की जरूरत है। हमने मैनिफेस्टो में लिख लिया है, कोई भी युवा, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो, कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो हिंदुस्तान में बिजनेस खोलना चाहता है, अगर वो मेक इन इंडिया करना चाहता है, 3 साल के लिए उसे किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। परमिशन से मुक्ति लो, आप काम शुरू करो, परमिशन 3 साल बाद लेना, आप अपना बिजनेस चालू करो, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करो, दुकान, छोटी सी दुकान खोलो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी आपको छूट देती है, 3 साल की छूट देती है। तो देखा आपने कि ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी क्या कुछ घोषणाएं कर रहे थे। उनका कहना था अगर उनकी सरकार आई तो वो न्याय योजना, यानी कि जो पहले भी वो कई मंच के माध्यम से जनता को कह चुके हैं कि वो 12,000 से जिनकी कम आय होगी मंथली, उनको साल के 72,000 रुपए देंगे। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से ओबीसी आज कांग्रेस में 2 मुख्यमंत्री है और आगे भी इनको और अधिक जगह दी जाएगी, और 3 साल तक किसी भी रोजगार के लिए भारत में किसी भी युवा को, किसी भी व्यक्ति को कोई किसी भी तरह से परमिशन नहीं लेनी होगी।